हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। जैसे कि आपने अभी जो आवाज़ सुनी थी टक 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 टक, ये अगर आपके यहाँ भी अगर गैस गीजर होगा और ये प्रॉब्लम आ रहा है तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मेनली प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस गीजर का जो है ये सामने का जो बोर्ड होता है उसको डब्बे को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये हमारे न्यामत भाई है, इंडिया इलेक्ट्रिकल्स, इनका सोलापुर में बहुत अच्छा शॉप है और ये अच्छी सर्विस देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जैसे हमने डब्बे को ओपन किया तो यहाँ पर वायरिंग को ऑफिस फिट कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर गैस जो है वो फ्लो नहीं हो रहा था, बाकी सब चीज़ें जो है अच्छे से चल रही थी। हमने सेल वगैरह सब बदल दिया था। तो यहाँ पे जो गट्टू यहाँ पे इन्होंने निकाल रहे हैं इसे NRV कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप के NRV होते हैं, ये सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कंपनी से। तो यहाँ पे NRV में जो है थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो जैसे हम यहाँ पे NRV को निकाल कर क्या करेंगे, हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे लाल लाइट जो है अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने NRV को भी यहाँ पे गट्टू को हमने निकाला। मैं दिखाता हूँ कौन सा प्रोडक्ट था वो। तो ये बोर्ड हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। अभी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये स्प्रिंग और यहाँ पे एक NRV होता है जिसको हमने अभी ओपन किया और यहाँ पे डायरेक्ट जो है गैस फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो NRV हमें वापस से फिट करना है। फिलहाल हम वो जो सेफ्टी वाला जो प्रोडक्ट है वो हमने निकाला। तो अब ये बिना कट कट किए यहाँ पे जो है ये गैस गीजर जो है ये ऑन हो चुका है। तो मोस्टली यही प्रॉब्लम बहुत बार आता है यहाँ पे दोस्तों। तो बहुत सारे जो है लोग क्या करते हैं यहाँ पे पूरा बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तो 99% यही जो NRV स्प्रिंग और ये अच्छे से ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से गैस जो है ये पास नहीं होता है। तो हमने इतना ही पार्ट जो है यहाँ पे अभी चेंज किया, देख सकते हैं। तो ये जो प्राइस आती है मोस्टली यहाँ पे 350 से 400 के बीच में ये प्राइस आती है। तो यहाँ पे हमने ये चेंज किया पूरा गट्टू, देख सकते हैं ये। तो ये फ़िल्टर हमने यहाँ पे गैस का जो है NRV हमने ये चेंज करके फिट कर दिया है। तो चलिए अभी मैं आपको साउंड भी सुनाता हूँ। तो ये जो साउंड है यही किट किट की जो हमारे को आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जो है गैस गीजर ऑन होता है, यहीं से गैस जो है यहाँ पे पास होता है। तो यहाँ पे हमने नया वाला किट अभी इंस्टॉल किया है, जिसकी 6 महीने की वारंटी हमारे जो है इलेक्ट्रिक के जो पर्सन है इंडियन इलेक्ट्रिक जो है न्यामत भाई हमारे को दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने जो है प्रोसेस हमारे को ओपन करके दिखाया, खास आपके लिए भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाए। तो इस तरीके से जो है फाइनल हमने यहाँ पे गैस गीजर का जो NRV है वो किट हमने ओपन करके रिपेयर कर दिया है। वापस से हम क्या करेंगे, लाइट वगैरह जो और सामने का जो बोर्ड है उसको हम फिट करेंगे और फाइनल सेटअप के यहाँ पर फिटिंग कर देंगे। तो अगर आपके घर में भी गैस गीजर अगर प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आप कनेक्शन पेपर जो हमारे सेल है वो ओपन करने के बाद भी जो है चेंज करने के बाद भी अगर रिपेयर नहीं हो रहे, तो इस तरीके से आप प्रोसेस करने के बाद जो है यहाँ पे गैस गीजर आपका रिपेयर हो सकता है। हर बार जो है पूरा गैस गीजर बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साउंड आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं गैस गीजर ये 100% ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे फ्लो वगैरह भी हमने पानी का चेक किया तो ये 100% वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके घर में भी अगर गैस गीजर का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो छोटा सा किट जो है 350 के आसपास जो है आप अगर चेंज करेंगे तो आपका गैस गीजर ये ऑन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।